विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 2013 में तीनों जगह बीजेपी सरकार बनी थी, लेकिन 2018 में तीन जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। और सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेगी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कई बदलावों के बावजूद मुकाबले में नहीं आ पा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है, और कर्नाटक के बाद बाकी राज्यों में कमल खिलाने का चैलेंज बढ़ गया है। इसी चैलेंज को साधने के लिए दिल्ली में यह बैठक हुई थी। बीजेपी इन राज्यों के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अमित शाह का मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी में जाने तक का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बंपर 68 सीटें मिली थी, तो वहीं बीजेपी को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि छत्तीसगढ़ में बीएसपी को 2 और जेसीसीजे को भी 5 सीटें हासिल हुई थी। चुनाव के सुगबुगाहट के साथ आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी वापसी के लिए बेताब है। बीजेपी का मुकाबला राज्य में पिछली बार से भी मजबूत चेहरा बनकर उभरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है। वहीं राज्य में बीजेपी के भी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के सामने संगठन को लेकर भी चुनौती है। इस बीच राज्य के चुनाव को लेकर बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया, जिसमें संगठन मजबूत करने से लेकर चुनावी मुद्दे तक तय किए जा रहे हैं। अपना बूथ मजबूत अभियान के तहत हर बूथ पर 31 कार्यकर्ताओं को जातिगत हिसाब से लगाया गया। इसके अलावा इस आदिवासी राज्य में बीजेपी ने हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इसके जरिए भी वोटर्स से लगातार संपर्क बना रहेगा। इसके अलावा बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ 24 बिंदुओं वाला आरोप पत्र भी तैयार किया, जिसमें शराब घोटाला मुख्य है। 2018 में बुरी तरह हारने वाली बीजेपी इस बार राज्य में सत्ता के जादू आंकड़े तक पहुंच जाने का दावा कर रही है, तो यूथ से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब सक्रिय हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य का दौरा कर चुके हैं। राज्य और केंद्र के दक्ष नेताओं को मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि पहले से भी मजबूत हो चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आखिर पार्टी बूथ मैनेजमेंट के जरिए कितना बड़ा चैलेंज दे पाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को बेहद मजबूत करने में जुटी है। खबरों के मुताबिक बहुत जल्द राजस्थान बीजेपी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई लोगों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो कई ऐसे नेता हैं जिन्हें संगठन के अंदर लाया जाएगा। 23 मार्च को बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद से संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजस्थान बीजेपी में एक अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष समेत 23 पदाधिकारी हैं। पार्टी राजस्थान में 2 चेहरों को बदल सकती है। पार्टी ब्राह्मण और एसटी चेहरे की जगह गुर्जर और जाट चेहरा शामिल कर सकती। राज्य में 4 महामंत्री पदों में 2 पदों पर युवा चेहरों को तरजीह देने की सुगबुगाहट है। राजस्थान में कोषाध्यक्ष को भी बदला जा सकता है, साथ ही नए चेहरों को मौका दिए जाने की तैयारी। ऐसे में जून महीने को बेहद निर्णायक माना जा रहा है, और पीएम के अगले दौरे से पहले राजस्थान में सब कुछ बेहतर और ठीक करने की चुनौती बढ़ गई। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ समय पहले ही बदले गए हैं। राजस्थान में भारतीय पार्टी में संगठन में बदलाव होना है। कुछ जिला अध्यक्ष बदले गए हैं, कुछ जिला अध्यक्ष और बदले जाएंगे। राज्य के पदाधिकारियों में भी बदलाव हो सकता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी नवंबर में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, इसके बाद सभी जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, और खास तौर पे अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी मजबूत किला माना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस के सेंधमारी ने बीजेपी को विपक्ष में लापटका है। मगर 17 महीने बाद कमलनाथ की सरकार को सत्ता से बेदखल करके शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मध्य प्रदेश सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार बीजेपी एमपी में भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
बीजेपी ने एमपी जीतने के लिए प्लान 360 डिग्री पर फोकस किया। एमपी में बीजेपी ने 175 सीटों और 51 वोट प्रतिशत का टारगेट रखा। 100 कमजोर सीटों को मार्क करके एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। 65,000 बूथों को टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ा जा चुका है। बूथ लेवल पर भी प्लान 360 डिग्री पर काम किया जा रहा है। प्लान के तहत बूथ स्तर पर विकास से जुड़ी समस्याओं को देखा और दूर किया जाएगा। बूथ लेवल की दिक्कतों को समय रहते खत्म किया जाएगा। बूथ के इलाकों में सड़क, नाली और पानी जैसी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। बूथ लेवल पर वोटर्स की हर समस्या को दूर करने की कोशिश हो रही।